क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें हमें क्या दिया है, एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई इक्वल हमें दिया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ओके, और हमें प्रूव करना है ए थीटा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल साइन सेट क्यूब थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स इक्वल क्या दिया है, ए कोस थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, और वाई इक्वल दिया है हमें ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ओके, तो हम इसका ये थीटा में है हमारा एक्स फंक्शन है वो थीटा में है, वाई फंक्शन भी हमारा किस में है, थीटा में। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसे मैं सेकंड मान लेता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए। देखिए कोस का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट मान लेता हूँ ये सेकंड मान लेता हूँ, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा हमारा कोस थीटा। ओके, यू इंटू वी रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट रूल, तो प्लस साइन थीटा एज इट इज और इस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो ये क्या होगा वन हमारे पास। अभी देखिए अभी वाई का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट है बाहर ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा कोस थीटा, और माइनस अभी इस थीटा का यहाँ पर ये फर्स्ट मान लेता हूँ ये मैं कोस थीटा को सेकंड मान लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज कोस थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ओके, और प्लस साइन कोस थीटा एज इट इज थीटा का करेंगे तो ये क्या होगा वन। ओके, अभी ये अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दें हम तो ए कोस थीटा और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा थीटा साइन थीटा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का कोस थीटा। ओके, ये कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास यहाँ और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर प्लस का साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस का साइन थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बच रहा है ए कोस थीटा। ओके, ए थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर थीटा भी है हमारे पास। ओके, तो हमें वैल्यू मिल रही है डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी डी थीटा आएगा, सॉरी यहाँ पर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया है हमने। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैं ये और ये इसको इससे डिवाइड करा देते हैं। ओके, तो डी वाई अपॉन डी थीटा और इसके इक्वल क्या है हमारे पास ये ए थीटा साइन थीटा। ओके, और इसको डिवाइड करा देते हैं हम इस एक्स वाले से, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा और इसके डिवाइड में ये आ जाएगा हमारे पास, इसके डिवाइड में यहाँ पर क्या है ए थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा, देखिए ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में थीटा, इसके भी डिवाइड में थीटा है, तो ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल मिल रहा है हमें, ये थीटा से थीटा भी कैंसिल हो रहा है हमारा, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ओके, ये हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, अभी हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या मिल रहा है हमें टेन थीटा। ओके, अभी हम इसका अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमें। तो देखिए dy अपॉन dx है, यहाँ पर dy अपॉन dx है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ y फर्स्ट डिफरेंशिएट, या ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ऐसे ही इसमें तो हमें ऐसे ही है तो ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टेन थीटा है, टेन थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा। और फिर देखिए हम तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो थीटा का टेन थीटा का हो गया हमारा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, थीटा का क्या होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x करें तो थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, हमें देखिए हमारी ऊपर क्या वैल्यू थी, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू थी हमारी, डी एक्स अपॉन डी थीटा की हमारी क्या वैल्यू थी ए थीटा कोस थीटा। ओके, ये वैल्यू थी, हमने ये निकाली यहाँ पर। तो अभी हम इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, अगर हम उल्टा करें मैं यहाँ पर बात करूँ तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, अगर हम पलट दें इसको तो ये होगी वन अपॉन ए थीटा कोस थीटा। ओके, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल सेक्स स्केयर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन ए थीटा कोस थीटा, और वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है वन अपॉन कोस थीटा हो जाएगा सीकेंट थीटा। ओके, तो सबसे पहले मैं ए थीटा को इस साइड लेकर आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए थीटा इंटू डी स्क्वेयर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस साइड, तो ए डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वेयर थीटा है, और वन अपॉन कोस बच जाएगा, ये वन अपॉन कोस क्या होता है वन अपॉन कोस होता है हमारा सेक थीटा, तो इसे हम वन अपॉन कोस की भी जगह मैं क्या लिख देता हूँ सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sec की पावर 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है sec की पावर 3 थीटा, तो a थीटा d स्क्वेयर y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल हमारा क्या आंसर है sec की पावर क्यूब थीटा। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था जो हमने कर दिया। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।